आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो का स्पेशल प्रोग्राम इलेक्शन एक्सप्रेस। आज के हमारे इस एपिसोड के खास मेहमान हैं मोहम्मद रफीक टपाल, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी आईटी सेल बीजापुर। टपाल जी, स्वागत है आपका इलेक्शन एक्सप्रेस में। आप एक कामयाब गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर होने के बावजूद सियासत का रुख कैसे हुआ आपका? गोल्ड मेडलिस्ट मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में लिए, सच है। वो मेरा एक प्रोफेशनल करियर था। तकरीबन 15-20 साल मैं एक इंजीनियर के नाते, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, और डिपार्टमेंट में भी मैंने काम किया सेक्शन ऑफिसर के तौर पे, कई डिज़ाइंस किए। एक प्रोफेशनल, एक हर शख्स के ज़िंदगी में दो तरह की ज़िंदगी होती है कि आप एक होता है अपने बारे में, एक प्रोफेशनल अपनी अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। मैं एक मेरा एक एम्बिशन था, चाइल्डहुड एम्बिशन था कि मैं एक अच्छा और कामयाब इंजीनियर बनूँ। काफ़ी लोगों से इंस्पायर था मैं, तो मैंने इंजीनियरिंग की और उस फिर बाद में बीई करके एमई करके मैंने काफ़ी सारे बिल्डिंगें बनाई, काफ़ी सारे ब्रिजेस वगैरह मैंने डिज़ाइन किया। एक हद के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एक लोगों की सेवा करना है, कौम की खिदमत भी एक हमारे ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है और हमारी जिम्मेदारी भी है, ख़ास करके हम लोगों की। तो मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं काम आऊँगा कौम के, इस नीयत से मैंने पॉलिटिक्स में, सियासत में कदम लिया। जी, क्या आप भी आने वाले कर्नाटक असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी से बीजापुर से टिकट उम्मीदवार हैं? मैं गुलिस्तान 2013 के जो असेंबली इलेक्शन थे तब भी मैं एक स्ट्रांग कैंडिडेट था। आप सब लोगों को मालूम है मैं शॉर्ट लिस्टेड था, पैनल में था। मैं बिल्कुल थोड़ी इसमें मैं मेरा टिकट चूक गया, मुझे नहीं मिला, लेकिन जिसे भी मिला कांग्रेस से हम लोग पार्टी के लिए काम किए और हमारे कैंडिडेट को चुना के लाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान, मेरी अपनी कोशिशें रही, मेरा अपना एक साथ कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा रहा। टपाल जी, एक तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस की यह पॉलिसी रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने रूलिंग एमएलए को ज़्यादातर टिकट देती है। आप जो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कभी कभी एक पॉलिसी डिसीजन होता है कि जो रूलिंग है उनको देते हैं, ये काफ़ी बार होता है, लेकिन यही एक रूल नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ कि सिटिंग एमएलए, यहाँ तक कि सिटिंग मिनिस्टर्स को भी पार्टी ने कई ग्राउंड्स पे, कई रीजंस पे, कई वजहों से ड्रॉप करके नए चेहरों को कॉन्टेस्ट किया और कामयाबी से वो लोग चुन के भी आए हैं। ऐसे भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। माइनॉरिटी के लिए बीजापुर सिटी हमेशा एक अनऑफिशियल रिजर्व, जिस तरह कहते हैं, कांग्रेस ने वो काम करते आया है, तो हम लोगों को उसका मौका भरपूर उठाना चाहिए और कौम की और कहीं ना कहीं से शहर की डेवलपमेंट सही तरीके से होना चाहिए, बस यही है सबका। बीजापुर में हुए डेवलपमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? बीजापुर में डेवलपमेंट, देखिए 2013 से पहले बीजापुर एक सीएमसी, सिटी म्यूनसिपल काउंसिल था। उसके बाद जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, सिद्धरामैया सरकार, हमारे एम बी पाटिल साहब, इसको एक नेक्स्ट स्टेप जो सीएमसी के बाद कॉरपोरेशन, महानगर पालिका घोषित किया। अब जब आप एक कॉरपोरेशन होता है कहीं का भी, तो उसका एक डेडिकेटेड फंड होता है अराउंड 200 करोड़ 250 करोड़, ये अपने आप माना शुरू हो जाता है। जैसे ही सीएमसी से कॉरपोरेशन को अपग्रेड हुआ तो ज़्यादा फंड्स आए सिटी को, उसके हिसाब से जो काम होना था उतना होना था और ज़्यादा होना था। रोड्स बने, हम मास्टर प्लान को कहीं ना कहीं से शुरुआत तो हो गई, लेकिन मास्टर प्लान 16 रोड्स हैं, हम एक भी रोड आज तक हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लाके ये करना चाहिए, क्योंकि बीजापुर हिस्टोरिकल प्लेस है। एक दौर था बीजापुर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में माना जाता था। आज बीजापुर स्टेट में भी कहीं लोग, बेंगलुरु में मुझे ताज्जुब लगता है जब मैं बीजापुर कहता हूँ, तो क्या वो गुलबर्गा के पास आता है, क्या वो बिदर के पास आता है, तो बुरा लगता है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं कि बीजापुर को फिर से एक जो एक नेशनल मैप है, इंटरनेशनल मैप पे हमें लाना है, ये काम है। ये कहीं ना कहीं मेरा सियासत में आने का मकसद भी बहुत ज़्यादा ये है कि बीजापुर शुड बी डेवलप्ड इन ऑल। कहीं हम मोहल्ले के कुछ रोड बनाएं या कहीं पे एक आध ये बनाएं, ये डेवलपमेंट नहीं है। फंड्स को इस्तेमाल जिस तरह से करना था वैसा नहीं है। एक जो एक क्वालिटी होती है, या तो कामों की एक क्वालिटी होती है, या तो उसका एक एग्जीक्यूशन का तरीका होता है, काम हुआ लेकिन उसको जिस क्वालिटी के होना चाहिए थे नहीं हुआ। क्या माइनॉरिटी कांग्रेस का सपोर्ट करेगी? माइनॉरिटी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हमेशा
बीजापुर सिटी या बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छोड़िए पूरे हिंदुस्तान में हमेशा कांग्रेस के साथ रही है और कांग्रेस की ताकत बन के रहिएगा। मैं कई लोगों को, कई लीडर्स को कहते हुए सुना है कि कोई वोट डाले या ना डाले, मुसलमान तो जरूर कांग्रेस को वोट डालेगा, ये कांग्रेस का अपना ये है। तो ये बार भी इंशाल्लाह जरूर मुसलमान और माइनॉरिटीज हैं वो कांग्रेस का साथ देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ने अब तक माइनॉरिटी के साथ इंसाफ किया है? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद कांग्रेस से लगी हुई है माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को। अगर इंसाफ अब तक नहीं किया है तो आने वाले दिनों में जरूर करेगी, ये उम्मीद है। क्योंकि अब देखिए, बात आपने क्वेश्चन किया है तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि पॉलिटिक्स में जो रिप्रेजेंटेशन, हमारा जो सपोर्ट है कांग्रेस का, कांग्रेस को मुसलमानों का, वो हिसाब से अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, हमारे जो एक नुमाइंदगी की बात करते हैं, तो जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। इसकी इन्फॉर्मेशन पार्टी को भी है, लेकिन उसके कई और भी रीजंस होते हैं। जैसे झड़पी है, झड़पी में हमारा रिप्रेजेंटेशन काफ़ी साल से नहीं है, जहाँ पे दूसरे पार्टी में हम लोग इसके लिए मुहिम किए थे, अब चल के थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारा रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा होना चाहिए। तो सबकी कांग्रेस से उम्मीद करते हैं? उम्मीद जरूर करूँगा, क्योंकि जहाँ तक सिद्धरामैया का साहब का सवाल है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, वो बहुत ही एक सेकुलर और एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आए हुए शख्सियत है, बहुत बड़ी हस्ती है। आज वो नेशनल लेवल पे भी उनका एक बहुत बड़ा नाम हो रहा है, तो वो उनसे उम्मीद की जा सकती है कि मुसलमानों के साथ पूरा पॉलिटिकल इंसाफ जो है वो होना चाहिए। बहुत से डिमांड्स हैं मुसलमानों की, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब तक कांग्रेस पार्टी और समाज के लिए आपका योगदान क्या रहा? जहाँ तक समाज का सवाल है, आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सालों से सियासत में तो मैं ज़्यादा एक्टिव 5-10 साल से हुआ, लेकिन उससे पहले समाज को कहीं ना कहीं मैं कई इदारों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ, काम करते रहता हूँ। जैसे कि बेसिक ज़रूरत होती है एक शहरी की, कुछ लोगों को ज़रूरतें होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं या गवर्नमेंट के एक फैसिलिटीज़ होते हैं, उसमें मैं हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, खास करके एक आईडी कार्ड, अभी जो अभी तकरीबन गवर्नमेंट में वो काम एक मुहिम की तरह कंप्लीट किया, लेकिन चंद साल पहले अगर आप सोचेंगे तो आईडी कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। गवर्नमेंट की इतनी मशीनरी नहीं थी कि वो लोगों का वो काम घर घर तक जाके करें, उसकी मुहिम हमने बहुत बड़ी की। जब गवर्नमेंट या समझो सरकार वो काम करने में उतनी कामयाब नहीं हो रही, तो हम खुद हर मोहल्ले में हमारा एक स्टॉल लगा के एक आदमी को, दो आदमी को जिम्मेदारी दे के, खासकर जामिया मस्जिद एरिया में, दूसरे एरियाज में, जोरापुर में, कहीं हर तरफ, शाहपुर दरवाजे में, ये सब जहाँ लोग थोड़ा, हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी ज़्यादा होती है खासकर, वो लोगों को इसका अवेयरनेस, मालूम नहीं रहते, तो वो काम हमने किया, खासकर 2013 के असेंबली इलेक्शन से पहले, जहाँ माइनॉरिटी का पॉपुलेशन 60-61,000 था, हम लोगों ने सिंगल हैंडेडली उसको हमने 80,000 प्लस ले गया, ये बहुत बड़ा ये है। इसके बाद जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, ये तो एक सामाजिक काम हुआ। आप कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, तो हम काफ़ी मेंबरशिप कांग्रेस के लिए एक ड्राइव की, और उसके बाद जब एक गवर्नमेंट के तरफ से जनगणति का प्रोग्राम आया, आपको वो भी मालूम, मैं ना बीजापुर सिटी नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने एक ऐसी मुहिम, बीजापुर के हर छप्पे छप्पे में, हर शहर में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से छोटे करिए में भी हम लोग नौजवानों को भेज के वहाँ पे जनगणति के जो फॉर्म्स थे वो फॉर्म्स भी उनको मायदा किया, और उसके बारे में फॉर्म्स क्यों, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक फॉर्म था, उसमें काफ़ी तकरीबन मेरे ख्याल से 25-27 कॉलम्स थे, एक मुसलमान को या दूसरे भी एक दूसरे लोगों को भी वो कहीं ना कहीं उसको फिलअप करने की मुसीबत है, दिक्कत आती थी, तो हमारे नौजवान उनको समझा के वो काम किए, उसको हमने बहुत ज़्यादा अंजाम दिया। जनगणति के बारे में 2 लाख फॉर्म हमारे तरफ से उसको बांटे, गवर्नमेंट से भी इक्वल पैरेलल काम हमने किया, उस ये था एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था। ऐसी इसी तरह जब गुलिस्ता ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन आए थे, तब हम लोग जब देखे तो हमारा जो एक रिप्रेजेंटेटिव वोटर्स में हम लोगों के नाम है नहीं के बराबर थे, उसको भी हमने 22 तालुकाज में हम अपने खर्चे पे एक ग्रुप बना के कांग्रेस लीडर्स जो सिटी के, इन सब को लेके हम 2-4 गाड़ियां करके
22 तालुका जो एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूशन को आप यकीन करिए इसको फिर हम 50,000 से ज़्यादा फॉर्म हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये कांग्रेस के ही काम थे, समाज के भी काम थे, और बाद में हमें जो भी जब पार्टी से काम डायरेक्शन दिया जाता है तो वो काम करते हैं। लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे हमारे दूसरे हमारे कुरेश जमात के खासकर काम होते हैं, ये लोग हमारे जो वेंडर्स होते हैं उनके काम होते हैं, ऑटो रिक्शा वाले के हैं, ये रोड्स के काम होते हैं, हर रोड मास्टर प्लान इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा हम लोग ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करके, एक जो बस स्टैंड के पीछे रोड लेना जानता उसको हम अथॉरिटीज़ को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, उसके बारे में काम मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, खास करके लोगों के, गरीब लोगों के काम आना। रोज़मर्रा एक आध काम तो हम मैं करते ही रहता हूँ। आपके द्रोणाचार्य MB पाटिल जी हैं। एम बी पाटिल हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े लीडर हैं, सब लोग मैं क्या सब लोग उनको मानते हैं, आज वो स्टेट लेवल नेशनल लेवल के लीडर बन चुके हैं। उन्होंने ही आपको सियासत में लाया कहिए तो, मैं ऐसे तो उस्ताद साहब के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था, वो फैमिली के साथ खासकर ML उस्ताद, फिर बाद में इसमें थोड़ा एक जो हमें आजकल ज़्यादा इंस्पिरेशन जो कहते हैं वो एम बी पाटिल साहब से ज़रूर मिला। मौजूदा सिटी MLA डॉक्टर मकबूल बागवान के बारे में आपकी क्या राय है? मकबूल बागवान हमारे पार्टी के एक सिटी के MLA हैं, वो उनको टिकट मिला था, काफ़ी लोगों ने उनको बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं ना वन साइडेड एक सपोर्ट करके, लोगों का जिस तरह से उनको सपोर्ट मिला वो चुन के आए, वो अपने हिसाब से काम किए, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं लोगों के मापदंड जो होता है, लोगों के एक पैमाना जाता है उसमें उतरने में कहीं ना कहीं वो नाकाम रहे, उनका एक उतनी लंबी विज़न नहीं रही। ये मैं हमेशा ही उनको पर्सनली भी बहुत काफ़ी बोलते रहता हूँ कि बीजापुर को डेवलपमेंट करने का तरीका कुछ और है, क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना है, हमें सिर्फ जो अवेलेबल फंड्स हैं इसमें कुछ नहीं होने वाला, वही रोड बनेगी फिर वो रिपेयरिंग होगी, वो ख़राब हो जाएगी उसको बनाएंगे, उसको डेवलपमेंट नहीं कहते, डेवलपमेंट कोई और, हमारा एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम सेपरेटली फॉर द सिटी, मैं डिस्ट्रिक्ट भी नहीं करा, कहीं ना कहीं होना चाहिए। जी आप खुश नहीं है इस काम से? मुझे उतना ज़्यादा इत्मीनान नहीं है जितना होना चाहिए था। अगर आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलता है, अगर आप जीत भी जाते हैं तो बीजापुर सिटी के लिए ऐसे कौन से काम है जो आप करना चाहेंगे? बहुत से काम है, देखो बीजापुर सिटी के लिए बहुत से काम है, आम आदमी को भी पूछो, बीजापुर को हर कोई चाहता है कि बीजापुर बहुत ही अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो। इसका सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हम लोग जो कई सालों से मास्टर प्लान पेंडिंग है, मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब से मास्टर प्लान की बात होती है, आज भी मास्टर प्लान पूरी तरह नहीं हुआ, तो मैं कहीं ना कहीं अगर खुदा के इससे मुझे अगर ना इस सीट से नवाजा गया और मैं जो हो गया तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर प्लान पर जोर दूंगा, उसको इतना जो फंड्स है इससे ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है वो काम करूँगा। बाकी एयरपोर्ट की बात है, कोई एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा, आप बीजापुर को कनेक्ट कैसा करेंगे? कभी मैं 5 साल के इसमें आज तक नहीं देखा कि किसी ने एयरपोर्ट के जिम्मेदार लोग जो रिप्रेजेंटेटिव है एयरपोर्ट की बात नहीं, आज 700-800 acres हम लोगों ने उसको एक्वायर करके रखा है, कॉम्पेंसेशन मिला, एक रेडी जो चीज़ है उसको आज तक नहीं हो रहा। क्या आपने कभी ये मुद्दा उठाया? ये मुद्दा मैंने रोशन बेग साहब जो हमारे इससे पहले वो हमारे शहरी विकास मंत्री थे उनके साथ पर्सनली हम लोग वो साइट विजिट करें, वो अश्योर करें कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड आएंगे तो हमें भी स्टेट से आएंगे, तो ये लोग किए, हम लोग उसके बारे में मीटिंग किए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ, हायर अप के साथ, लेकिन उसे जो नेक्स्ट स्टेप को ले जाना है वो रिप्रेजेंटेटिव का होता है, हम लोगों की पहुँच जितनी होती है उतना करे। एयरपोर्ट सख्त ज़रूरत है, आज तो ऐसी खबर है कि एयरपोर्ट बीजापुर के लिए ज़रूरत नहीं है, कहीं और एक न्यूट्रल प्लेस पर बनाएंगे, तो आप सोचिए जब आपका उस पर काम कम होगा आप उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो क्या फिर भी आप कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे कांग्रेस या फिर दूसरे पार्टियों में रुख करेंगे? देखिए कांग्रेस पार्टी में हम लोग इसलिए नहीं कि MLA ही बनना है या हमको MLA बनेंगे तो कांग्रेस में, ऐसी कोई नहीं है, हम लोग कांग्रेस पार्टी में लास्ट टाइम में भी मैंने आपको कहा कि थोड़े में मेरा टिकट चुका, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन किया, भगवान साहब का इलेक्शन, मैंने पूरे मोहल्लों में मैंने एक मुहिम चलाई थी कि भाई आप आईडी कार्ड वोटर्स आईडी कार्ड के लिए, जितने हम 18,000 आईडी कार्ड रेडी करते 60,000 थे जब मैं वो काम शुरू किया तो मैंने उसे 81,000 को लिए, ये DC तब के जो तहसीलदार थे वो लोग मुझे
पर्सनली बुला के उन लोगों ने मुझे सराहा था कि जो डिपार्टमेंट काम करना चाहिए आप कर रहे हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप दूसरे पार्टियों का रुख करेंगे? मैं बिल्कुल कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए काम करूंगा। ये मेरा, अगर कांग्रेस पार्टी फिर से डॉक्टर मकबूल बागवान को टिकट देती है तो क्या आप उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे? क्योंकि आप खुले तौर पर कह चुके हैं कि उनका विरोध कर चुके हैं टिकट। विरोध करना वो हमारा हक है। देखो, टिकट मना करने, अगर टिकट आप मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसा? फिर अगर उनको नहीं हटाएंगे तो दूसरे को मिलने का चांस नहीं है। तो हमारा वो एक डेमोक्रेटिक राइट है। हमारा जो पार्टी में जो एक इंटरनल एक हम लोगों को फ्रीडम है, उसके तहत हम लोग टिकट मांगे। ये पर्सनली बागवान साहब के खिलाफ कुछ नहीं है, टिकट मांगना है। कल अगर कुछ और चीज़ है तो वो भी, अभी मिनिस्ट्री मांगते रहते हो, किसी को निकाल के मिनिस्ट्री मांग, इसका मतलब नहीं कि उसके अगेंस्ट है। काफ़ी लोग टिकट मांग रहे हैं, इतने लोग एक सिटिंग MLA के खिलाफ टिकट मांग रहे हैं, ये भी एक अच्छा संदेश नहीं है, कि ना सही ये नहीं है, ये भी एक डेवलपमेंट, ये भी मैं मानता हूँ। इसके लिए इसके कारण भी ढूंढना चाहिए, क्या वजह है कि आप 20-22 लोग एक सिटिंग MLA के खिलाफ टिकट मांग रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? वी शुड नो दैट। आप लोग जो मीडिया है, आप ये भी सोचिए, ये नहीं कि मैं कैंडिडेट बन रहा हूँ आप मुझे पूछ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि क्या वजह हो सकती है कि एक सिटिंग MLA के खिलाफ इतने लोग टिकट मांग रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, 22 लोग मांग रहे हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? एक अनार 100 बीमार। कांग्रेस पार्टी में टिकट उम्मीदवारों की फहरिस्ट बहुत बड़ी है, इसमें आप अपने टिकट के लिए क्या? नहीं, मेरे टिकट के लिए मैं जो कोशिश गुलिस्तान साल किया था, वो काफ़ी लोग चाहते हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं या तो लोग हैं, एक एजुकेटेड क्लास है, या तो मैं काफ़ी बैकवर्ड जो एरियाज हैं बीजापुर सिटी के, वहाँ जो मैंने काम किया है, तो लोग चाहते हैं कि मैं कोशिश करूँ मुझे टिकट मिले। ये आपको भी जाहिर है, टिकट मिलना, देखो कोशिश करना हमारा काम है, टिकट मिलना ना मिलना ये ऊपर वाले की मर्जी है, ये ऊपर वाला जब नवाजेगा तो जरूर काम करें। आप हमारे चैनल बीजापुर इन्फो के थ्रू जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बीजापुर में, पूरे कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार, खास करके बीजापुर सिटी में हमारे MB पाटिल साहब बहुत ही ज़्यादा काम किए हैं, इरिगेशन सेक्टर में कहिए, दूसरे सेक्टर में इंडस्ट्रियल इसके हिसाब से देखिए, आप बाकी कौन सा भी फील्ड देखिए, जो पहले किसी सरकार ने नहीं किया वो हमारी कांग्रेस सरकार ने किया है। तो मैं सबसे यही उम्मीद करूँगा और दरखास्त करूँगा, सबसे निवेदन भी करूँगा कि आप फिर से कांग्रेस को सपोर्ट करें अपने हर तरह से, अपनी अपनी जगह, और कांग्रेस फिर एक बार मेजॉरिटी में आए और कांग्रेस की सरकार हो, ताकि पूरे काम जो बाकी हैं वो भी पूरा, खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए एक इनिशिएटिव जो सिद्धरामैया सरकार ने लिया है उसको कंप्लीट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो और एक मौका मिलेगा तो माइनॉरिटी को एक बोलते हैं ना मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं, वो मेन स्ट्रीम में दूसरों के साथ कद से कद मिलाकर माइनॉरिटी चले, ऐसी एक सूरत बने कर्नाटक में, और वो शायद हिंदुस्तान के लिए नमूना हो, ये उम्मीद सिद्धरामैया सरकार से कर सकते हैं मुसलमान। तो ये थे हमारे खास मेहमान टपाल इंजीनियर। हम फिर मिलेंगे अगले स्टेशन पर किसी और सियासी मुसाफिर के साथ इलेक्शन एक्सप्रेस में। तब तक जुड़े रहिए बीजापुर इन्फो से।